एक जंगल में घोड़ा और हिरन दो दोस्त रहते थे। दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया तो घोड़े को बहुत ज्यादा चोटें आईं। घोड़े ने सोचा, मैं इससे इंतकाम लूंगा। तो उसे जंगल में एक शिकारी नजर आया। घोड़ा शिकारी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम हिरन की तलाश में आए हो। तो शिकारी खुश हो गया और शिकारी घोड़े को देख के सोचने लगा कि ये तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, घोड़ा भी मिल जाएगा और हिरन भी। तो शिकारी ने उसे कहा, हाँ बिल्कुल, मैं हिरन की ही तलाश में आया हूँ। तो घोड़ा ने उसे कहा, आ जाओ मैं तुम्हें हिरन दिखाता हूँ, तुम उसे पकड़कर अपने साथ ले जाना। शिकारी ने घोड़े से कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊँ और तुम्हें लगाम डाल लूँ अगर तुम्हें तकलीफ ना हो। तो घोड़े ने कहा, हाँ डाल लो, इससे क्या होगा। तो शिकारी कहने लगा कि जैसे ही मुझे हिरन नजर आएगा तो मैं तुम्हारा रुख उस तरफ मोड़ दूंगा और फिर बासानी हम हिरन का शिकार कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ, हिरन उन्हें देखते ही भागने लगा, लेकिन शिकारी ने फायर करके हिरन को मार दिया और फिर घोड़े को पकड़कर वो अपने साथ ले गया। इस तरह शिकारी ने उनकी नाइतफाकी का फायदा उठाया, हिरन को भी मार दिया और घोड़े को भी साथ ले गया। इसीलिए प्यारे बच्चों, बदला लेने का कभी भी ना सोचना, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान होता है।